नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का विग न्यूज 9 में। आज की खबरों पर एक नजर। आज सुबह सुबह सासाराम में एक अनियंत्रित स्कूली बस ने एक स्कूली छात्र को रौंद दिया, जिसे नर्सरी के छात्र लंबू कुमार का घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना के अमरा तालाब की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर ही रखकर डेहरी सासाराम पथ को जाम कर दिया है। छात्र लंबू कुमार न्यू बाल विकास विद्यालय का नर्सरी का छात्र था। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध किया, जिसके कारण सासाराम डेहरी पथ पूरी तरह से बाधित रहा। लोगों पर आए दिन मौत के रूप में जो गाड़ियां दौड़ रही है, जो अनियंत्रित होकर के और बच्चों की जान के शिकार कर रही हैं, इन सब चीज़ों पर प्रशासन को ध्यान देना होगा कि जिस रूप से अनियंत्रित होकर के गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ाई जा रही है। जो कि आज रोड क्रॉसिंग के दौरान में इसका एक्सीडेंट हो गया। यहीं के एक धर्मेंद्र कुमार का लड़का था, जिसका नाम लंबू था, जो कि न्यू बाल विकास स्कूल के नर्सरी बी का छात्र था। और यहाँ पे यहीं का एक स्कूल दया नदी स्कूल का बस ने जो अनियंत्रित तरीके से इतने तेज चला रहा था कि बच्चे को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। घटना इतनी दर्दनाक थी कि बच्चे की घटना स्थल पे ही मौत हो गई। और इसमें हमारा सबसे बड़ी बात बताते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूल चल रहा है, जिसपे कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये बच्चे आते हैं रोड पे, खेलते रहते हैं, कोई मास्टर को कोई चिंता नहीं है। रोड क्रॉस करेंगे, इधर जाएंगे, उधर भागेंगे, यहाँ के टीचर लोग को कोई ध्यान नहीं है। हम